नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में। दिस इज विकास। और हमें स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे एनोनाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट के बारे में। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एल अर्जिनाइन सप्लीमेंट्स के बारे में। एल जेन सप्लीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट, जो कि मार्केट स्टोर से मिलता है। आपने देखा होगा दोस्तों एनो एक्सप्लोड के नाम से एक सप्लीमेंट है जो कि BSN कंपनी का आता है, बहुत मशहूर है। बहुत लोग इसको प्री वर्कआउट में यूज करते हैं एज अ आई मीन जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए आपकी एक्सरसाइज की। तो देखिए दोस्तों एल अर्जिनाइन जो है ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की एक फॉर्म है। और दोस्तों अर्जिनाइन का काम ये होता है, एल अर्जिनाइन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट जो है ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देता है दोस्तों। तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करती है ड्यूरिंग वर्कआउट और आपकी मसल्स को पंप करने में आपकी हेल्प करता है। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि अर्जिनाइन जो है आप एक्सरसाइज से पहले इसको आप ले सकते हैं। सर्विंग जो है 5 से 10 ग्राम हो सकती है। अगर आप पर उसको लेने से पहले आप देख लीजिए आपका बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट के हिसाब से ही सर्विंग रखें। अगर आप 6 फीट है तो आप 10 से 15 ग्राम भी जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" के अराउंड है तो 7-8 ग्राम आई थिंक बहुत होता है एनो। जिससे ज्यादा आप अगर आप एनो लेते हैं तो दोस्तों आपको स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, हो सकता है आपका थोड़ा डिस्टर्ब भी आप हो सकते हैं। तो दोस्तों एनो को कभी भी अगर आपको एंजाइटी है या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन की मेडिसिन यूज करते हैं तो एनो का सप्लीमेंट बिल्कुल भी लें। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप एनो सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के साथ, तो दोस्तों आपको इंटरफेयर ये कर सकता है बहुत ज्यादा और आपके मसल्स के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको एंजाइटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों आपकी, स्पेशली एंटी डिप्रेशन और क्रोनिक के कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अर्जिनाइन मैंने आपको बताया कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी से खुद बनाती है। और दोस्तों अलग से डाइट से इसको लेने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, पर लोग हम इससे अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको प्री वर्कआउट यूज करते हैं। और दोस्तों ग्लूटामाइन और अर्जिनाइन को अगर आप मिस करते हैं दोस्तों तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है, क्योंकि अर्जिनाइन जो है ये सारे जो है आपके हार्मोन्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली आपके ग्रोथ हार्मोन हो गया और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, ये इनको बूस्ट करता है। ग्लूटामाइन जो है ये कंडीशनल सप्लीमेंट है दोस्तों, ना ये अमीनो एसिड आप इसे नहीं कह सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड आप दोनों को मिस करते हैं तो आपका स्केलेटल मसल रिकवरी में आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो इसको आप ले सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट दोनों को मिस करके दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं एनो और ग्लूटामाइन साइड के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज विकास। हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।